नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कर्नाटक का हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। इस पर लगातार लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इसी बीच श्रीनगर की रहने वाली 12वीं कक्षा की टॉपर अरुषा परवेज को हिजाब नहीं पहनने के कारण ट्रोलर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने जवाब से ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है। अरुषा परवेज ने कहा कि मैं इस्लामी सिद्धांतों का पालन करती हूं और खुद को एक अच्छा मुस्लिम साबित करने के लिए हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। बता दें कि जम्मू कश्मीर बोर्ड से कश्मीर डिवीजन के 12वीं के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए थे। अरुषा ने 500 में से 499 अंकों के साथ साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। इसी बीच उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें अरुषा बिना हिजाब के बैठी हैं, जिसके बाद हिजाब नहीं पहनने के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा था। यहां तक कि कई ट्रोलर्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। मुस्लिम होने के बावजूद अरुषा को हिजाब पहनने को लेकर ट्रोल का शिकार होना पड़ रहा है। ये देखकर वो भी हैरान है। उन्होंने सभी ट्रोलर्स को ये जवाब देकर चुप कर दिया कि वो दिल से मुस्लिम है, हिजाब से नहीं। अरुषा ने जिस तरह से ट्रोलर्स को जवाब दिया है, उसकी वजह से उनकी काफ़ी तारीफ की जा रही है। वहीं कई स्थानीय लोगों ने लड़की को उसकी सफलता के लिए ट्रोल करने वालों के खिलाफ सजा की मांग भी की है। गौरतलब है कि ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्र छात्राओं से साफ कह दिया है कि फिलहाल वो शिक्षण संस्थानों में ऐसी कोई पोशाक पहनने पर जोर ना दें जिससे कि लोग भड़क सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।